हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मम्मा। हाँ? थैंक यू मम्मा, आपने इतने अच्छे मैजिशियंस बुलाए। ये सब मैंने आपके लिए तो किया है बेटा, आप जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। जाओ। नाइस पार्टी झिलमिल, तुम्हारी नौकरी जाने से बच गई। थैंक यू मैम। हाय प्रीतम। हेलो। हाय सोनिका, कैसी हैं आप? हेलो। हाय, मैजिक शो देखना मम्मी प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसे मैजिक शो दिखा कर लाती हूँ। वेल डन, वैसे तुम्हारे इस नए कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिए हिस्सा तो जरूर होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग नहीं, जबान खराब हो गई है मेरी। अगर मैंने अपनी जबान खोल दी ना, बहुत प्रॉब्लम होगा तुम्हारे लिए। यू माँ, अगर इसने मेरी पार्टी खराब की ना तो मैं इसे बाहर फेंकवा दूंगी। माया बेटा, तू कुछ भी मत बोलो अभी। क्या आप लोग जादू देखना चाहेंगे? अब मैं आप लोगों को सच में यहाँ जादू दिखाने वाला हूँ। आज यहाँ पे जादूगर सिमसिम आप में से किसी एक को आसमान की सैर कराएगा। क्यों, प्लेन में बैठाओगे क्या? नहीं सर, आप देखिए तो सही जादूगर क्या करेगा यहाँ। कौन है आप में से वो जिसमें है जिगर आसमान में उड़ने का? सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। दिखाओ क्या दिखाते हो। प्रीतम सुनिए तो सही। अरे कुछ नहीं होगा। हाँ भाई जादूगर साहब, प्लीज प्लीज कम। या नीचे क्यों नहीं आ रहा है? अरे ये किधर जा रहा है? अरे ये क्या हो गया प्रीतम? प्रीतम ये कहाँ जा रहे हो? प्रीतम प्लीज नीचे आओ। प्रीतम प्रीतम आप लोग कुछ कीजिए ना, प्लीज आप लोग कुछ कीजिए। माया कुछ करो ना प्लीज, देखो वो कहाँ जा रहे हैं। प्लीज कोई कुछ करो ना, उनको नीचे उतारो। प्रीतम माया प्लीज कुछ करो ना, किसी को कुछ बोलो ना। हाँ मैं कुछ करती हूँ। सोनिका तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। प्रीतम प्लीज नीचे आओ। प्रीतम प्लीज कुछ करो ना माया। आंटी प्लीज कुछ कीजिए। प्रीतम सोनिका संभालो। आजा आजा सोनिका, यहाँ ढूंढते हैं। कहाँ गए होंगे? चलो चलो देखते तो है, चलो ऊपर चढ़ के देखते। नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए प्रीतम?
प्रीतम। बार कोशिश करनी चाहिए ढूंढने में, अगर फिर भी कुछ सुराग नहीं मिलता है तो मैं सीआरडी को बुलाना होगा। सोनिका। हेलो हेलो, प्रीतम कहाँ है? चिंटू मैं पापा वापस घर आ जाएंगे ना, जादूगर अंकल तो चले गए। हाँ तू रो मत, प्रीतम अंकल आ जाएंगे, रात को वापस घर आ जाएगा। फिलहाल तुम उन सबसे कह दो कि सब लोग अपने अपने घर चले जाए, प्रीतम आ जाएगा वरना। मगर आप लोग हो कौन? अब प्रीतम कहाँ है? हेलो हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो क्या हुआ? कौन है सोनिका? कोई नहीं, वो प्रीतम घर चले गए हैं, हम लोग बस घर चले जाएंगे। पापा घर आ गए? हाँ बेटा पापा घर चले गए हैं, चलो बेटा। सोनिका मेरी बात तो सुनो, तुमने जहाँ कहा था मैं वहाँ आ गई, तुमने तो ये भी कहा था कि प्रीतम घर पर आ जाएगा, मगर प्रीतम घर पर भी नहीं आए। प्लीज भगवान के लिए अब ये तो बता दो प्रीतम कहाँ है। ठीक है पंकज, इनमें से कोई भी तीन कार्ड उठाओ, मैं यूं चुटकी में बता दूंगा कि तुमने कौन से तीन कार्ड उठाए हैं। सर ये कार्ड का मैजिक है ना, ये जाके अपने घर पे भाभी जी को दिखाओ, वो खुश हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, भाभी जी को नहीं बता सकता मैं, भाभी जी को घर में बहुत काम रहता है, अगर गुस्सा होगी ना तो बोरिया बिस्तर समेट के ब्यूरो आना पड़ेगा। अच्छा तो आप इसीलिए ब्यूरो में टाइम पर आते हो, भाभी जी की डर के वजह से, यहाँ पे टाइम पे काम पे आने इस वजह से नहीं। अरे चुप कर, तीन कार्ड उठा उठा। ऐसे भी सब देख लेंगे ना, जादू भूल जाओगे। कुछ बोला तुमने? नहीं। चलो मैं रेडी हूँ। आबरा की डाबरा, चिंग चुंग पुंग पुंग। पंकज तुमने राजा रानी और बादाम का इक्का उठाया है। फेल हो गया मैजिक, फेल हो गया आपका। क्या कोई जूनियर स्टैंडर्ड के बच्चे ने सिखाया क्या मैजिक? क्या बात है, किस बात पे इतना हंस रहे हो? अरे सर ये फ्रेडी सर ना मैजिक ट्रिक सिखा रहे थे सर, इनसे हुआ ही नहीं। पकड़ यार, ये ट्रिक व्रिक बंद करो, समझे? कार्ड उठाओ उठा उठा, इसकी जेब में डाल दो, चलो निकलो। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये कार्ड मेरे नहीं सर, ये फ्रेडी सर के, ये सीनियर होके मेरी ऐसी रैगिंग करते रहते सर, देखो ना। तुम्हारे कार्ड्स हैं? ठीक है फिर वापस कर दो इसको। क्या हुआ सर? कार्ड्स मेरे पास नहीं है। अबे क्या बात कर रहा है, अभी तो तेरे जेब में डाले थे मैंने। नहीं सर मेरी जेब खाली है। अरे कार्ड डाले नहीं होंगे इसकी जेब में तुमने। अरे सर आपके सामने डाले थे। नहीं 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 डाले, तुम्हारी जेब में ही है। अरे इधर चेक करो ना। हाँ इसे कहते हैं जादू। सर आप तो महान हो। ये तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। बचपन में मैं जब छोटा था तो ऐसे हेलो कौन हुआ? संभल के, बहुत सारे जूतों के निशान है, वहां दूर तक जा रहे हैं। अजीब तरीके से मारा इसे। मैंने सर के हथियार से काटा इसे। इसके शरीर पर कहीं कोई चोट या घाव का निशान तो है नहीं। निशान से काटा गया इसे। सर इसके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं।
देखो सर आसपास कुछ मिलता है क्या। लाश वहां पे और खून यहां पे, बड़े अजीब तरीके से बिखरा हुआ है सर। हाँ यहां से यहां अलग तरीके से है ये, यहां पे बिल्कुल अलग तरीके से पैटर्न है। जूतों के निशानों से पता चल जाएगा कितने लोग थे। बस कुल 6 जोड़ी जूतों के निशान है यहां पर, 6 जोड़ी, उसमें से एक इस आदमी के जूते का निशान है जो मरा हुआ है। सर ये पेपर्स पे तेल लगा है, लगता है जो लोग यहाँ पर थे इसमें कुछ खाने का सामान लाए होंगे। और सर ये सारे पन्ने एक जैसे किसी गणित किताब से फाड़े गए। और नाश्ता अगर है तो आसपास से ही मंगवाया होगा, पता लगाओ आसपास की दुकानों से है? हेलो, हाँ बोल रहे हैं क्या? सोनिका जी आपका कहना है कि सिमसिम नाम के एक अजनबी जादूगर ने प्रीतम को हवा में उड़ाया और वो हवा में उड़ता उड़ता घर से बाहर जाके गायब हो गया और फिर उसकी लाश ऊपर से आपके पैरों में आके गिरी। जी बिल्कुल सही, और इन सबकी जिम्मेदार ये माया है। सोनिका जी, माया जी कोई जादूगरनी नहीं है, ये तो आपके सामने ही थी ना। देखिए ना सर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सोनिका जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रीतम की इस हालत की जिम्मेदार माया जी हैं? सर इनके और मेरे पति के बीच में काफी टाइम से तनाव चल रहा था और वो पार्टी भी तो इन्होंने ही रखी थी और वो जादूगर वो भी तो इन्होंने ही बुलाए थे। नहीं सर जी, जादूगर माया ने नहीं बुलवाए थे, वो तो झिलमिल ने बुलवाए थे। झिलमिल? झिलमिल माया की मैनेजर। बताइए झिलमिल जी। सर वो मैडम ने एक दिन पहले कहा कि पार्टी में अलग तरह की जादू की योजना होनी चाहिए, तो बस। तो वो जादूगर आपने बुलाए थे? नहीं सर, वो मैडम को पसंद आए ऐसे जादूगर मुझे मिल ही नहीं रहे थे और इसी दौरान मुझे सिमसिम जादूगर के मैनेजर का सामने से फोन आया। उन्होंने मुझे कुछ वीडियो लिंक्स भेजी, मुझे वो पसंद आई तो मैंने उन्हें काम पे रख लिया। वो जादूगर के मैनेजर का आपको फोन आया? जी। उन्हें कैसे पता कि आप जादूगर ढूंढ रहे हैं? पता नहीं सर। तो सब बुझाने के बाद आपने दोबारा फोन ट्राई किया? सर मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन वो नंबर बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था। और जिस नंबर से मुझे फोन आया था मैंने भी उस पर ट्राई किया मगर वो भी नहीं लग रहा था। अच्छा माया जी अब मैं चलता हूँ। ये क्या है? आप कौन है? ये मेरे ऑफिशियल गेस्ट हैं मिस्टर आरव। सर अब मैं जा सकता हूँ? आप कल रात पार्टी में थे? नहीं सर, मैं तो यहाँ किसी काम के सिलसिले से आया था, कल खंडाला में मेरा एक इवेंट है, बस अब मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप पार्टी में नहीं थे तो आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। माया कल तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते। सोनिका जी जिस नंबर से आपको फोन आया था वो नंबर आप हमें दे दी। और झिलमिल तुम उन जादूगरों के जितने भी फोटो और वीडियोस और फोन नंबर्स हैं सब हमें दो। कहिए सर कितने समोसे पैक कर दूं? अरे भाई हम लोग समोसा खाने नहीं आए, ये समोसा जो पैकिंग करते समय पेपर का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में कुछ पूछना था। जी मैं को समझा नहीं। यहाँ से जो दूसरी गली है वहाँ पर एक बंद स्टोर हाउस में किसी का खून हो गया है, ये कागज हमें वहीं मिले। मुझे कुछ पता नहीं साहब। देखिए इसको ध्यान से पहचानते हैं इसे आप।
बाबा। नहीं साहब, ये तो वो नाइन स्टैंडर्ड की मैथ्स का पेपर है जो पिछले हफ्ते हम रद्दी में ले आए थे। बेटा ये इन पेपर्स को तुम पहचानते हो? हाँ जी सर, मैं यहीं पढ़ता हूँ ना, और मेरा यही स्कूल है। ये मेरा बेटा है टमटम। मेरा असली नाम विनय है। तो एक बात तो साफ हो गई कि जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं वो लोग तुम्हारे यहाँ से ही नाश्ता और खाना लेके जाते थे, और ऐसे काफी सारे कागज थे वहाँ पर, मतलब वो लोग यहाँ अक्सर आते थे। साहब दो लोग तो आते थे, दो चार दिन से रोज नाश्ता लेके जाते थे। हाँ साहब याद आया, लेकिन कल शाम से वो लोग नहीं आए। एक लड़का था और एक लड़की, और उस लड़की के चेहरे पे एक लंबा सा घाव का निशान था। वो दीदी मुझे तोहफे की जादू दिखाती थी। और वो जो टी शर्ट वाला लड़का साथ में आता था, वो एक समोसे के दो समोसे करके टमटम को दिखाता था। सर मतलब ये दो लोग उन पांच लोगों में शामिल हैं जो वेयरहाउस से गायब हुए हैं। हो सकता है, और ये लोग जादू भी दिखा रहे हैं। और अजीब बात तो ये है कि प्रीतम के खून में भी जादूगरों का हाथ, और वेयरहाउस वाले खून में भी जादू। अच्छा देखो, आपको हमारे लिए स्केच बनाने होंगे उस लड़की के और लड़के के। सालुखिया ये क्या हो रहा है, हैं? कैसा पेंटिंग बना रहे तुम? सर ये तो किसी पपेट का स्केच लगता है। नहीं नहीं पूरी पपेट नहीं है, जादू दिखाते वक्त इस प्रीतम को इसी तरह से हवा में उठाया गया था इन ड्रोन्स के जरिए। ये देखो इसके हाथों पर ये निशान, और ये देखो इसके पैरों पर निशान। ये निशान वो इन्हीं ड्रोन्स के स्ट्रिंग्स के हैं, और ये ड्रोन्स भी बैटरी से चलने वाले ड्रोन्स हैं। सर ये क्या होता है? टेक्निकल भाषा में ड्रोन को हम कहते हैं मानव रहित विमान, अनमैन एयरक्राफ्ट। दरअसल हर ड्रोन अपने आप में एक रोबोट होता है, उड़ता हुआ रोबोट, फ्लाइंग रोबोट। तो ये जादू था उन जादूगरों का। लोग उड़ती हुई बॉडी को देखने में हैरान थे, लेकिन इस बॉडी के तार जुड़े हुए थे उस ड्रोन से जो आसमान से आए थे। काफी ऊपर थे इसलिए किसी को दिखाई नहीं पड़ा। पर सर ये बॉडी, इसकी मौत की वजह तो जादू नहीं? इसे किसी दांतेदार हथियार से काटा गया, पेट कट के अलग हो गया है, वो भी रीढ़ की हड्डी के दो हिस्से करके। आइए मैं निशान दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी स्किन ठीक से नहीं कटी है, स्मूथ नहीं है। और ऐसा सिर्फ एक औजार से हो सकता है, अरे। और सर ये आदमी एक जिमनास्ट भी था, उसके हाथ पैर और जांघों के मसल्स में काफी खिंचाव मिला है। सर एक बात है, इस प्रीतम की जान एक जादूगर ने ली है, और इस आदमी के साथ जो वेयर हाउस में लोग थे वो भी जादूगर थे। ये खून का सारा खेल जादूगरी से ही जुड़ा हुआ है, पर है कौन ये जादूगर? सर इन पांचों मैजिशियंस के मेकअप की वजह से पता ही नहीं चल रहा है कि ये दोनों, ये औरत और ये आदमी, इनमें शामिल है या नहीं। पूर्वी, ऊपर से दो नंबर पे जो औरत है ना मैजिशियंस में, वो और नीचे की ये दो फोटोग्राफ्स है उसमें ये औरत, इन दोनों के फोटोग्राफ्स जूम करो। अभिजीत देखो, दोनों के चेहरे पर ऐसे स्कार है, जख्म का निशान है, नाक से लेकर बाएं गाल पे इसके हैं, और ये इस फोटो में भी ये निशान उभरा हुआ, मेकअप से दबा नहीं है। सर इसका मतलब माया के घर पे और वेयर हाउस में दोनों ही जगह ये लड़की थी। हाँ, और बाकी के चारों का भी पता चल जाएगा जैसे उनका ये मेकअप उतर जाएगा ना वैसे। सर ये रोहित है, ग्राफिक एक्सपर्ट।
रोहित, इन पांचों फोटोग्राफ के मेकअप उतार दोगे और इनका असली चेहरा सामने आ जाएगा? जी सर, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। चलो शुरू हो जा। मतलब ये दोनों माया के पार्टी में थे बाकी तीनों के साथ। सर ये सब वेयर हाउस में भी होंगे? हाँ हो सकता है। सर इनके चेहरे तो सामने आ गए मगर हम इन तक पहुंचेंगे कैसे? प्रीतम की बीवी सोनिका को जितने भी नंबर से फोन आए थे वो सारे के सारे नंबर चेक करो अच्छी तरह से, पता चल जाएगा। और शहर में ऑर्डर जारी करो कि जब तक हम ना कहें शहर में ना कोई पार्टी होगी ना कोई मैजिक शो होगा। प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, आज हम सबके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हर साल की तरह इस साल भी हमारी स्कूल में एनुअल चैरिटी इवेंट्स होने जा रहा है और हमेशा की तरह इस साल भी हमारे बीच मौजूद है हमारे ट्रस्टी मिस्टर आरव। बिग हैंड्स फॉर हिम। और बच्चों आज की इवेंट शुरू करते हैं हम एक मैजिक शो के साथ। बड़े ही काबिल जादूगर अपने खेलों से हमारा मनोरंजन करेंगे। ये देखो मैजिशियन आ गए बच्चों, अब मैजिशियन अपना शो दिखाएंगे। तालियां। प्रिंसिपल सर, अगर आज कोई बड़ा मैजिक एक्ट होगा ना तो उसमें मैं हिस्सा लूंगा। अरे जरूर, इसे तो बच्चे को प्रेरणा मिलेगी। बच्चों शांति बनाए रखो, मैं हूँ विशाखा और आज हमारी टीम आपके सामने जादू के कुछ ऐसे किरदार दिखाएगी जो आपने ना कभी देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। खेल है इंडिया का सबसे बड़ा जाना माना रस्सी वाला खेल।
सब लोग जो जादू देखने जा रहे हो ना, वो सचमुच में एक बहुत बड़ा अजूबा है। क्या इस खेल को आप में से कोई खेलना चाहेगा? आप, आप, आप? हाँ हाँ, जरूर करूँगा। जी सर, प्लीज आइए। बच्चों, अब आप लोगों ने देखा ना कि मेरा पार्टनर ऊपर गया है और अब यह खिलाड़ी इस टोकरी के अंदर जाएगा और मेरा पार्टनर ऊपर बादलों में गुम हो जाएगा और उसके बाद यह खिलाड़ी ऊपर से नीचे आएगा और मेरा जादूगर इसमें से बाहर आएगा। मत मारो, मत मारो मुझे, बचाओ, मत बचाओ, कोई तो बचाओ, मत मारो, मत मारो मुझे, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। जादू की लड़ाई हो रही है। कुछ नहीं हुआ है बच्चों, शांत रहो, शांत रहो, ये जादू है बस और कुछ नहीं है। बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, अब ये सारे पार्ट जुड़ जाएंगे और आपके आरव सर स्कूल के गेट पर आएंगे। वो देखिए, आपके आरव सर उस गेट पर आ गए हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, चलो जाके जादूगर से पूछते हैं। अरे ये लोग सब कहाँ चले गए? ये सब क्या हो रहा है? अरे आरव सर को ये लोग ने गुम कर दिया। मेल और फीमेल मिलाकर 5 लोग हैं, रंगे पुते चेहरे में। हाँ, और उनके साथ वो जादू का सामान भी था। उन्होंने एक ऑरेंज सूट पहने आदमी को अगवा किया है, शायद उसे मार भी दिया हो। सारे शहर में नाकाबंदी करवा दो, किसी भी हाल में ये लोग खंडाला से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ओके, आउट। सारे मुंबई में हमने इनके शोज पर पाबंदी लगा रखी थी, इनका बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था, मगर इन लोगों ने यहाँ खंडाला में आकर अपने काम को अंजाम दिया। मिसेस माया, ये जो हादसा हुआ ये आपके पहचान वाले लोगों के साथ हुआ है, पहले प्रीतम और अब ये आरव। या तो इस गुनाह में आप भी शामिल है या फिर आपकी जान को भी खतरा है। अब जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और प्रीतम तो बिजनेस पार्टनर थे, हम दोनों की एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी रेनबो मैजिक नाम की, जिसे हमने 2010 में आरव को बेच दिया था। इस माया के मायाजाल की सच्चाई जानने के लिए हमें इसके अतीत में जाना होगा। इसकी कंपनी और पार्टनरशिप की कहानी क्या है ये पता लगाना पड़ेगा। क्या, तीसरा पार्टनर? तीसरा पार्टनर कौन है? ये माया ने तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। पता नहीं सर इस बारे में आप लोगों को क्यों नहीं बताया। रेनबो मैजिक कंपनी के 3 मालिक थे, प्रीतम, माया और ऋषभ। और सर सुनने में भी आया था कि ये ऋषभ जो है कई साल पहले कंपनी में घोटाला करके बहुत सारा पैसा लेके भाग गया था, जिसकी वजह से माया और प्रीतम को ये कंपनी बेचनी पड़ी। ऋषभ, अभिजीत, माया ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? इस ऋषभ के बारे में हमें कुछ भी क्यों नहीं बताया? ऋषभ, ये ऋषभ रहता कहाँ है? वाकई घर को देख के लगता है कि काफी समय से बंद था ये। हाँ, काम करते हैं, घर का कोना कोना छान मारते हैं, एक एक इंच देखो अच्छी तरह से, शायद कोई छुपा हुआ सुराग मिल जाए। काम पे ये
ये देखिए सर, उन 5 मैजिशियंस की फोटो जिनकी हमें तलाश है, और ये छठवां जिसकी बॉडी हमें मिली थी। सर, किसी वास का टुकड़ा मिला है। वास का टुकड़ा? और बाकी हिस्सा कहाँ है? बाकी हिस्सा नहीं मिला। कहीं इस वास से तो कुछ नहीं किया ऋषभ को? अब तक तो हमने घर का एक एक हिस्सा छान मारा अंदर से, बाहर देखते हैं। देखो सर, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सचिन, ये मिट्टी देखो यहाँ पर, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जरा इसे खोद के देखो। ये किसी का कंकाल है। तो संभल के साफ करो और प्यार से निकालो उसे बाहर। देखो देखो, लगता है ये इस वास का हिस्सा है। ये देखो सर, कुनी ने एक हिस्सा गाड़ दिया और एक हिस्सा अंदर ही छोड़ दिया। सुरवी, लगता है मारते वक्त ये हिस्सा वहीं पर गिर गया, ये बच गया तो उसने इसको दबा दिया यहाँ पर। ये तो बिल्कुल वैसी घड़ी है जैसी ऋषभ ने फोटो में पहनी थी सर। ऋषभ की घड़ी? मतलब ऋषभ को मारकर यहां गाड़ दिया है किसी ने, और लोग समझ रहे थे कि ऋषभ गायब हो गया। सर फिर तो हमें माया से पूछताछ करनी होगी सर। हाँ सचिन, माया से तो पूछताछ करेंगे ही करें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, पहले इन 5 मैजिशियंस को घेर लेते हैं। सर, वो मैजिशियन गैंग के 2 नंबर्स जो बंद हो गए थे सर, वो क्या सर, उनमें से एक नंबर ऑन हो गया सर, और हम सोच भी नहीं सकते सर कहां और किससे बात करने के लिए। चिंटू बेटा, आप ये सैंडविच खा लो या मैं खाऊं? अगर आप दिल से मना करोगे ना तो खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा, दूध नहीं पियोगे तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे, बड़ा होना है ना जल्दी जल्दी। ये क्या है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। ठीक है चलो बेटा फिनिश करो। ये किसका नंबर है? हेलो। अपने चेहरे के हाव भाव बदले बिना अपने माँ और बेटे से कहो कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, और हमसे आकर रेखा विला पे मिलो, और ये पूछने से पहले कि मैं कौन हूँ ये जान लो कि सीआईडी को पता चला हो या ना पता चला हो कि तुमने क्या किया है ऋषभ के साथ, मगर
मगर हमें सब पता है, और अगर तुम चाहती हो कि चिंटू सही सलामत रहे तो हमसे मिलकर हिसाब पूरा कर लो। आइए माया जी, आइए, एक बार फिर से हमारे शो में आपका स्वागत है। ये शो हमने खास तौर पे आप ही के लिए प्लान किया है। देखिए छोड़ो मुझे, चुपचाप खड़ी रहो और अब देखना कि हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। छोड़ो, तुमने भी ऋषभ के साथ ऐसा ही किया था और हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। और इस खास दिन के लिए तो हमने अपना एक दोस्त भी गवा दिया। उसके साथ जो हुआ था वो प्रैक्टिस के दौरान उसे भूल हो गई थी। लेकिन ये गलती तुम्हारे साथ नहीं करेंगे हम। डालो इसे बॉक्स में। नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं। ए, बने हो? आप? छोड़ दो उसे। माँ, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं माँ। माया, माया, बिल्कुल मत डरो। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात है? बहुत अच्छा तमाशा था, पर इसे क्लाइमैक्स तक हम ले जाएंगे। सीआईडी? बिल्कुल, बहुत जादू वादू खेल लिया, अब जो जहां है वहीं खड़े रहे। सर, इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मैंने इसे बचा लिया। क्या मस्त बचाया आपने राजेश्वरी जी। क्या मतलब है आपका? यही कि इन पांचों मैजिशियंस के फोन बंद थे, और जैसे ही इनमें से किसी एक का मोबाइल एक्टिवेट हुआ, पहला फोन आया तो वो आपको आया। मुझे? हो सकता है, मुझे कुछ भी पता नहीं। अब तो ये ड्रामा करने से बाज आइए। माया की मुंह बोली माँ और ऋषभ की सगी माँ राजेश्वरी जी, पहले तो इन पांचों को माया को मारने के लिए भेजा, अब खुद आ गई बचाने के लिए। मार दूंगा इस माया। बहुत जादू दिखाया तूने, अभी ये जादू देख। अपने पेशे का गलत इस्तेमाल किया है और लोगों का खून किया तुम लोगों ने, अपने पेशे को बदनाम किया, अब जेल में खेलना चक्की पीसने का खेल। राजेश्वरी जी, आप तो माया के घर में उसके साथ ही रह रही थी और वहीं पर प्लान भी कर रही थी पांच मैजिशियंस को लेकर अपने बेटे ऋषभ की मौत का बदला लेने के लिए। वाह, क्यों ना करती मैं ये सब, कहिए ना, क्यों नहीं करती? इस माया और प्रीतम ने दोनों ने मिलकर मुझे और सारी दुनिया को धोखे में रखा, मेरे बेटे को धोखेबाज मुजरिम और भगोड़ा कहा, और तो मुझे भी इस बात का भरोसा दिला दिया। आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून सजा देता इनको, लेकिन आपने खुद कानून को हाथ में ले लिया। सर, आपका कानून सबूत मांगता है और मेरे पास कोई सबूत नहीं था। सबूत ना होने पर इस माया और प्रीतम को कानून छोड़ देता, इसलिए मैंने इनके साथ ही आरव को मारने का भी प्लान कर दिया।
तक कोई सबूत ही ना रहे। और माया, तुमने क्यों मारा ऋषभ को? सर, मैंने ऋषभ को नहीं मारा। उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे। हम घाटे में हैं और मैं कर्ज में। तुम्हारी जिद की वजह से मैं और माया मुसीबत और झेलने वाले नहीं है। कंपनी दिखेगी और तो कुछ नहीं कहेगा, समझा? तू मुझे समझाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं? हाँ, अगर तू मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे मारेगा तू? मुझे मेरी ऋषभ क्या किया तुमने? मार दिया इसे। मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी और राजेश्वरी आंटी को भी। मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने ऋषभ का खून किया है। प्रीतम ने मुझे ऐसे मजबूर कर दिया कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। इसीलिए मैं माँ को, मेरा मतलब राजेश्वरी आंटी को, अपने साथ अपने घर ले गई। मुझे तो इस बात का कभी पता नहीं चलता कि इस माया ने और प्रीतम ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। लेकिन पिछले महीने जब ये प्रीतम को धमका रही थी। देखो, मुझे उकसाओ मत, वरना मैं सबको बता दूंगा कि हम दोनों ने मिलकर ऋषभ को मारा है। तब मैंने सब सुन लिया। सच्चाई जानने के बाद भी आपने माया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इनके घर में ही रहती रही, क्यों? पिछले कई सालों से मैं इसके और इसके बेटे चिंटू के साथ इसके ही घर में रह रही हूँ। कई बार इसे मारने के बारे में सोचा, आज भी इसे मारना चाहती हूँ, लेकिन इसके बेटे चिंटू का ख्याल आता है, उसी की वजह से तो यूँ आज तक ये बचती रही। एक बच्चे से मैं उसकी माँ को कैसे छीन सकती हूँ? राजेश्वरी जी, आपने अपना बेटा खो दिया, इसका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बेटे की मौत का बदला आप दो लोगों की जानें लेकर पूरा करो, नहीं। और माया, मैं तुमने एक मुजरिम का साथ दिया, प्रीतम का साथ दिया। कानून तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.